कृष्णा। हाँ बोल रखा है मैंने, दे दूंगी मैं वो। आज है ये पावनी, अब नेल पेंट और लिपस्टिक लगा के मेरा स्वीटू बहुत स्मार्ट बना है, और ये बहुत स्मार्ट बना है। डॉल को भी इसने बहुत स्मार्ट बना दिया है। ये मेरा डॉल ही है, मेरा सुंदरू है, ये मेरा सुंदर पावनी, मेरा बहुत सुंदर बच्चा है, ये बहुत ही सुंदर सुंदर है। देखो लिपस्टिक भी दिखा रही है अपनी, और टीथ भी दिखा रही है अपनी, और क्यूट क्यूट स्माइल के साथ अपने अपने नेल पेंट को भी दिखा रही है। देखो इसने कितना अच्छा नेल पेंट लगाया, खुद लगाया, खुद लगाया कि मम्मा ने लगाया? मम्मा ने लगाया। अच्छा मैंने सोचा खुद लगाया आपने। अच्छा बहुत अच्छा लगाते आप। अच्छा मम्मा लगाते। चलो ठीक है बेटी, ठीक है ओके बाय। ये मैडम स्टिल पढ़ रही है क्योंकि होमवर्क अभी इसका कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ये जब तक कंप्लीट करती है होमवर्क तब तक हम कुछ और काम कर लेते हैं। जय श्री कृष्णा, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक होंगे, हम भी ठीक है, मस्त है एकदम से। और आज है संडे और अभी बज गए हैं 11, और हम लोग अभी ब्रेकफास्ट करके साफ सफाई करके बिल्कुल फ्री हो गए हैं। ऑल वर्किंग डेज में बिजी रहते हैं क्योंकि मेरा ऑफ नहीं होता आजकल भी, वेकेशन इनकी तो चल रही है बट मैं फ्री नहीं होती हूँ। तो आज संडे है, हाँ दे आर ऑन वेकेशन, क्योंकि और दिन सिटिंग का टाइम नहीं लगता है। आज संडे है तो मैंने सोचा थोड़ा सा कुछ सिटिंग वाला काम आज निकाल देती हूँ, इसलिए मैं जल्दी से सुबह फ्री होगी, सब लोग हम लोग फ्री हो गए ये काम कर रहे अपना, तो मैंने सोचा मैं भी अपना काम शुरू करती हूँ। इवन यहाँ सुबह धूप लगती है बट अभी 11 बजे है और 11 बजे तक धूप यहाँ से निकल गई है, तो हमने हीटर चलाया है क्योंकि ठंड काफ़ी हो गई है, रूम में ठंडी रहती है क्योंकि वो सारा टाइल्स एंड ये वो सारा इधर से, तो ठंडा काफ़ी है। ये है मेरा छोटू सा सिंपल सा सोफ़ा, और जो है ये रेगुलर आपके कवर्स है ना, इसके थोड़ा बोर हो जाते हैं, मतलब जनरल सी ये काफ़ी पहले मैंने लिए थे बट थोड़ा बोर हो जाता है ना एक चीज़ को देखते देखते, तो मैंने सोचा कुछ नया करते हैं, तो मैंने इसको चेंज करने का सोचा है। चेंज करने के लिए मैंने ख़रीदा नहीं है बट उसके लिए मैं खुद ही सिल रही हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो हमने एक जो बड़ी चीज़ है वो हमने एक मेजरमेंट लेनी होती है प्रॉपर तरीके से, कितना आपके कितना कपड़ा लगने वाला है उस तरीके से प्रॉपर मेजरमेंट। ये हम मेजरमेंट करते हैं यहाँ से, फिर उस तरीके से कटिंग करेगी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। बहुत ज़्यादा वो अलग तरीके से तो नहीं बट सिंपली मैं स्टार्ट कर रही हूँ, एक सिंपल तरीके से बनाऊंगी, जैसे बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी। मेरे पास ही दो तरीके के प्लेन फैब्रिक है, एक ये है इस कलर का है और ये एक इस कलर का। अब पहले मैं मेजरमेंट करती हूँ जरा कितना किस में पूरा होता है, देखती हूँ इस तरीके का बनाऊं या इससे बनाऊं, बट मैं ट्राई करती हूँ, हो सकता है दोनों को कंबाइन करके बना लूँ। हमने जो शुरुआत करनी है सबसे पहले हमने क्या करना है, इसकी प्रॉपर मेजरमेंट करनी है, तो उसके लिए मैंने यहाँ इंच टेप लिया है और उससे इसकी लेंथ और ब्रेथ जो है वो प्रॉपर तरीके से लेनी है। मुझे बहुत टाइम लगा इसको मेजर करने में भी, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है कुछ स्टिचिंग का, क्योंकि मैंने आज तक ऐसा प्रॉपर मेजरमेंट ऐसा क्या मैंने कैसा ही नहीं सिला, क्योंकि जो अपना थोड़ा बहुत होता है ना स्टिचिंग, थोड़ा सा कोई फट गया है उसको सिलना है या रिपेयर करनी है, वो चीज़ें छोटा मोटा मैं कर लेती थी, बट ऐसा मैंने कभी आज तक नहीं सिला है, तो मैं उसको प्रॉपर बार बार जो है मेजरमेंट ले रही थी। और उसके बाद मैंने जो है फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं दोनों कलर को कंबाइन करके बनाऊंगी। अब मैं कैसे बनाऊंगी पता नहीं, मैं सोच रही थी, तो मैंने क्या किया एक कागज़ लिया और इस तरीके से उसमें रफली कुछ मेजरमेंट ले ली, जो मैंने मेजरमेंट किया था ना उस तरीके से मैंने उसको डिवाइड कर लिया कि मैंने किस कलर के कपड़े को कितना काटना है, और उस तरीके से मैंने ये तैयार किया। फिर मेरे पास जो है ये कपड़ों की चौक होती है ना वो भी नहीं है, क्योंकि अब ऐसा तो मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं काट के कुछ और बना लूँ, बट फिर मैंने यहाँ एक पेन का यूज़ किया और जो मैंने इसको कटिंग शुरू कर दी। ये ग्रे कलर का फैब्रिक है, बल्कि लाइट कलर है ये, बट फिर भी मैंने इसको ही डिसाइड किया कि मैं इन दोनों फैब्रिक का ही, क्योंकि मैं कोई नया कपड़े में ये एक्सपेरिमेंट ट्राई नहीं कर सकती थी, मैं पहली बार सिल रही हूँ, तो मैंने जो मेरे पास अवेलेबल था मैं उसी से जो है ये शुरुआत कर रही हूँ।
तो ये मैंने सेंटर का पोर्शन कट किया और जिस तरीके से मैंने यहाँ स्केच बनाया था ना, मैं उसी तरीके से कर रही हूँ। जो ये लाइट कलर है, क्रीम कलर है, इसको मैं जो है बाहर वाले बॉर्डर के लिए यूज़ करूँगी। अभी मैंने सोचा है कि मैं ऐसा बनाऊँगी, बनेगा कैसा ये मुझे पता नहीं था, बट फिर भी मैं जो है सबसे पहले मैंने पूरी प्रॉपर जो है कटिंग कर ली। फिर जो मुझे ये रील्स को फिल करना था वो मैंने कुछ इस तरीके से देखा था, वो भी मैं ये पहली बार सब कुछ कर रही हूँ। तो इसके लिए सबसे जो तरीका होता है जो मुझे पता है, वैसे ये पिंस मिलती है ना इसके साथ ही स्टिचिंग के लिए, तो प्रॉपर क्योंकि ये सिलते हुए खिसक जाता है, क्योंकि ये हाथ पैडल वाली क्या हाथ वाली मशीन है ना, इसमें तो एक ही हाथ आपका यूज़ हो सकता है। तो इसके लिए हम इसको पिन से सिक्योर कर लेते हैं कि जहाँ जहाँ हमने मतलब जितना हमने सिलना है। तो मैंने भी वह उसी तरीके से इसको पिन से चारों तरफ से इसको सिक्योर किया, मतलब बराबर कि जितना हमने इसको सिलाई लगानी है उस तरीके से। तो इसमें आपको आसानी रहेगी क्योंकि जहाँ आपने सिलना है तो वो आपकी हिलेगा नहीं वो फैब्रिक आपका। तो इस तरीके से मैंने इसकी जो है सिलाई शुरू कर दी। अब ये सीधा टेढ़ा कैसा हुआ ये पता नहीं है अभी मुझे, बट ये बनेगा। तो जब मेरी मेहनत है तो ये काम आएगी भाई, मैं बना रही हूँ तो एक अच्छा ही बनेगा। तो मैं इस तरीके से इसको जो है सिलना शुरू कर दिया, साथ साथ जो है गपशप सब कुछ। और फिर मैंने सोच लिया बनाना है तो बनाना है बस, और मैं लगी रही जो तरीके से, क्योंकि ये प्रॉपर आपका जब आपने एक साइड से सिलने के बाद इसको अगर और दोबारा फोल्ड करना है कुछ भी करना, तो आयरन करना एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, उससे आपको फिर फैब्रिक सीधा हो जाएगा। फिर मैंने जब कुछ हाथ आधा कर इसको स्टिच कर लिया था, तो मैं इसको बॉर्डर जब सिलना था उसके लिए मैंने एक बार इसको लगा के देख लिया कि कितना मुझे फोल्ड करना या कट करना है, क्योंकि मुझे इतना एकदम से आइडिया नहीं है ना कि मैंने कैसे काटना है। तो वो मैंने वो किया और फिर इसको जो है बॉर्डर से सिल लिया। बट और क्या किया मैंने इसको, क्योंकि पतला फैब्रिक है ना, इसमें भी लाइनिंग लगा दी है। अब क्या करना था, अब मुझे क्यों मारा आपने मम्मा को? इसके लिए टैसल, क्योंकि मम्मा ने पापू को बेकार बोला है, क्योंकि सिंपल सा है और लाइट कलर्स है, उसको थोड़ा सा क्लासी और थोड़ा सा ब्यूटीफुल दिखाने के लिए तो मैंने इसको टैसल बनाने का तरीका देखो, मतलब कुछ भी आप ऐसे कार्डबोर्ड ले सकते हो। मैंने यहाँ पावनी की नोटबुक ले ली, उसमें ऐसे राउंड लगा दिए, आप देख रहे हैं इस तरीके से इसको बांधना है। और क्योंकि मैं थोड़े लंबे रखने वाली थी टैसल, सोफा कवर है ना, तो उसके साथ लंबा जो है ये टैसल जो है उस तरीके से बनने थे। इसी तरीके से ये देख रहे हैं ना आप, इस तरीके से इसको सिक्योर करना अच्छे से और जो है बांध के, फिर जितना भी चेन में था उसको साइड से कट करके थोड़ा इक्वली इसको हमने बना दिया था। और ये टैसल जो है तीन कलर में बनाए थे, सेम उसी तरीके से। मुझे बहुत प्यार करता है दीदा। दीदा तो करता होगा, मुझसे भी करता, और मैं दीदा से करता हूँ प्यार। आप मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि आप मुझसे नहीं करते हो। ठीक है, I'm sorry. Oh, it's okay. Then I love you, Pavno. आपका नाम क्या है मामा? Myself, अंजना शर्मा. अंजना शर्मा का नाम क्या है? अंजना शर्मा का नाम है मिसेज अंजना शर्मा. मिसेज अंजना का शर्मा का नाम क्या है? मिसेज अंजना शर्मा का नाम है मिसेज प्रीतम शर्मा. मिसेज अंजना का शर्मा का नाम है मिसेज अंजना शर्मा. मिसेस अंजना प्रीतम शर्मा। हाँ जी। पर मामा आप ये क्या कर रहे हो? आप मेरे को अभी प्यार क्यों करते हो? तो कब करना तेरे को प्यार? अभी करना, जब छोटा है, बड़ा होगा तब सारा तो बांदर बन जाएगा। क्यों मैं बड़ा हो गया? मैं भी दीदा की तरह पढ़ता नहीं। तू भी नहीं पढ़ता दीदा की तरह, तब तू भी गंदा है। मैं तो पढ़ता हूँ। दीदा तो पढ़ रहा है। जब मैं दीदा की तरह बड़ा बन जाऊंगा फिर मैं पढ़ूंगा नहीं। शाबाश, तो भी ये सीख लियो, मैं पढ़ूंगा नहीं। एक और बच्चा। तब भी नहीं पढ़ूंगा। हाँ तब भी नहीं पढ़ेगा ये।
ये जो टैसल है मैंने ये तीन तरीके के बनाए हैं, तीन तरीका क्या, तरीका तो एक ही है, कलर तीन है, ग्रे है, ब्लैक है और येलो है। मैंने ये तीन क्यों लिए ये मैं आपको बताती हूँ। ये देखो ये मेरे पास है कुशन कवर और ये मैंने बहुत पहले ऑनलाइन परचेज़ की थी, मुझे इसका पैटर्न जो है ना बहुत पसंद आया था। आप देखिए कि नहीं इसमें बिल्कुल अलग अलग से पैटर्न है और ये बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैंने ये तीन कलर लिए थे। अब आपको कुछ पता चल रहा होगा जो मैंने टैसल थे वो भी मैंने इन्हीं के कलर को देखते हुए ध्यान में रखते हुए वो लिया था कलर, ताकि शायद मेरा सोफ़ा कवर इसके साथ कुछ मैच कर जाए। जो सबसे पहला काम मैंने जो किया है कुशन कवर चेंज किए है, क्योंकि जो मेरा लुक है वो इससे थोड़ा और बढ़ने वाला है, वो मुझे ऐसा लग रहा था। क्योंकि इसके पैटर्न देखो ना इतने अच्छे हैं, बहुत क्लासी और कलर भी इतने बहुत अच्छे से। और फिर मैंने जो है अपना सोफ़ा कवर बिछा दिया, देखो देख के कितना अच्छा लग रहा है ना, लग रहा है कि मैंने कुछ मेहनत की है और मेरी मेहनत काम लाएगी, रंग लाएगी भाई। अब जब की है तो ये देखो, और मैंने इसको अच्छे से बिछा दिया और ये मेरे सोफ़ा कवर कुशन कवर जो है इससे इसकी लुक